किंतु जो हमने देखा उसकी कल्पना नहीं थी कि कपिल वस्तु का युवराज एक दरिद्री के झोपड़े में भिक्षा मांगते हुए हमें दिखाई दे। पिताजी, अब मैं युवराज नहीं, भिक्षु, और अब मैं अकेला भी नहीं, मेरे साथ मेरे भिक्षुओं का समुदाय भी आया है और मुझे भी हर भिक्षु की तरह अपने लिए भिक्षा मांगनी पड़ती है। परंतु शाक्य कुल की ये रीत नहीं। शाक्य कुल की रीत ना हो, पर ये भिक्षुओं की रीत सदैव ही रही है। भिक्षा मांगना एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो हमारे समुदाय को नम्रता और संभाव देता है। भिक्षु धनी और निर्धन के पक्षपात से ऊपर है। मेरे मार्ग में सभी समान है, चाहे वो दीन हो या धनी, क्योंकि उन सभी में परम सत्य का द्वार खोलने का सामर्थ्य है, जिससे उनका ज्ञानोदय हो, उन्हें मुक्ति मिले। भिक्षा मांगने से हमारी गरिमा नहीं घटती, अपितु जो भिक्षा देता है उसका सामर्थ्य और मनोबल बढ़ता है। ये उसके लिए एक स्मरण साधन मात्र है कि केवल मुझ में नहीं अपितु हर मनुष्य में वो गरिमा विद्यमान है। परंतु लोग तो उसे भिक्षा ही मानते हैं पुत्र। दोनों में बड़ा अंतर है। जो भीख मांगते हैं वो कार्य से जी चुराते हैं। अर्थात तुम भिक्षु लोग समग्र शक्ति इकट्ठा कर जन जन के लिए मोक्ष का मार्ग खोल रहे हो। जी पिताजी, भिक्षा मांगने से अहंकार का जो भाव हमारे अंतर में गांठ बांधे बैठा है वो टूट जाता है। भिक्षा देना भी उनके लिए उनके बुरे कृत्यों को समाप्त करने का एक मार्ग है। भले इसने तेरे क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो, पर रूप सन्यासी का लेकर आया है। बालक के शरीर पर महापुरुष गौतम की तरह 32 लक्षण है। पिताश्री, मैं इस क्षण आपके समक्ष खड़ा हूं, आप बीती बातों में कहां खो गए? असित मुनि के भविष्यवाणी का स्मरण हो गया। काल चक्र को भेद असित मुनि ने जो भविष्यवाणी देखी वो देखने में मैं असमर्थ था। या मैं जानबूझ के देखना नहीं चाहता था, परंतु यह अद्भुत घटना होकर ही रही। तुम सिद्धार्थ से बुद्ध बन गए।